हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइव चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और आज की जो वीडियो है ये संडे ओवरव्यू है फूलों के ऊपर। और कुछ प्लांट मेरे जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, वो सभी पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आइए लास्ट तक बने रहे मेरे साथ। और एक मैंने ये हिबिस्कस का ख़रीदा था, ये महंगा तो ज़रूर पड़ा लेकिन इसमें इतना सारा बड्स है और कितना सारा फ्लावर भी देता है, और हेल्दी प्लांट है इसलिए ये महंगा पड़ता है। जितने भी हेल्दी प्लांट होते हैं ज़्यादातर हिबिस्कस के, वो महंगे पड़ते हैं। ये 200-250 से कम नहीं पड़ता है। और तो एक ये है मेरे पास हिबिस्कस, कितना खूबसूरत फ्लावर है इसके। और ये पिंक कलर का, ये मैंने पहले भी दिखाया है, ये सूख गया है और इस पर भी आ रहे हैं, छोटा सा प्लांट मगर इस पर आते रहते हैं। तो और एक ये है, ये कुछ कुछ रेड और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है, ये भी बहुत सुंदर है मगर ये इसके छोटे छोटे फूल हैं, बट ये है खूबसूरत। और छोटी छोटी इस पर काफ़ी सारी ये बड भी बनी हुई है। और एक ये मेरा कुछ रेड कलर का है, थोड़ा अलग रेड टाइप का। रेड के मेरे पास तीन कलर हैं अलग अलग, एक ये सिंगल पेटल में है, डबल पेटल में, कई सारे अलग अलग है। और एक मेरे पास येलो कलर का है, ये देखो ये वाला येलो कलर का है हिबिस्कस, ये भी खूबसूरत है। देखो जरवेरा भी कितना खूबसूरत लग रहा है इस समय पर। इस पे दो फूल हैं लेकिन बड़े बड़े फूल हैं, ऐसे जैसे सूरजमुखी के होते हैं। और ये भी देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब मेरे पास तीन चार प्लांट हैं ये भी, और अभी उन पे नहीं आ रही, देखो इस पे भी नहीं आ रही है। एक ये है और एक ये है जरवेरा का, ये अलग अलग कलर है लेकिन खूबसूरत कलर है, कोई पिंक कलर है, कोई रेड कलर है, अलग अलग है। लेकिन इस पर आ रही है क्योंकि इस पर दिवाली पर आई थी और अब इस समय फिर फ्लावर आ रहे हैं, तो कितना सुंदर लग रहा है। तो मैंने सारे इंडोर प्लांट जितने थे सारे ही यहाँ से हटा दिए हैं क्योंकि यहाँ पे धूप आने लगी। और कुछ रखे हैं यहाँ पे, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक ये है एग्लोनीमा, ये भी खूबसूरत है। और ये देखो, ये मैंने सैपलिंग लगाई थी, सैपलिंग नहीं, ये बीज उससे लगाई थी, कटिंग से कुछ बीजों से। ये देखो कितनी सुंदर ये कलर भी आ गए हैं, इसमें फूल भी खिलने लगे हैं। ये विगोनिया में और अलग अलग काफ़ी सारी हैं। और ये देखो ट्रैम्पिट लिया था मैंने, इसमें भी कितनी सुंदर फूल आए हुए हैं। इसमें भी कई सारे कलर रंगों में आते हैं, ऑरेंज भी देखा है मैंने। और ये 12 महीने का होता है, आप ले सकते हो इसको भी। और मैं अपनी दिखाती हूँ कौन से मेरे फूल जा रहे हैं इसमें। ये देखिए, ये भी तीन कलर के हैं मेरे पास, ये भी अब थोड़े से फीके पड़ गए हैं। और मैंने तो इनकी अब फूल की जो है निकालने भी बंद कर दिए हैं, सूखे फूल भी। और ये देखो इनके भी कल से नहीं निकाले क्योंकि यहाँ बारिश पड़ रही थी परसों से, तो इसलिए मैं निकाल नहीं पाई। तो सब देखो अब ये जाने की स्थिति में है। अब मैं इनको ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रही क्योंकि नए प्लांट ला रही हूँ और धीरे धीरे उनको सेट कर रही हूँ, अपने गार्डन में बढ़ा रही हूँ। ये देखो अभी भी हैं, फूल लगे हुए हैं इस पर काफ़ी सारे। बस मैं इसको एक सप्ते के अंदर अंदर सभी को इनको हटा दूँगी और काफ़ी सारे नए प्लांट ले आऊँगी। ये देखो अभी भी ये काफ़ी सारे मेरे उसमें बने हुए हैं ये। और एक मुझे ये पेंटास का भी बहुत सुंदर लगा, अगर मुझे और भी कलर मिलेंगे इसके तो मैं और भी कलर इसके लाऊँगी क्योंकि कई कलर रंगों में आता है। और ये परमानेंट प्लांट होता है तो इसको भी आप बाय कर सकते हैं। और ये देखिए, ये भी परमानेंट प्लांट है, ये जो डांसिंग डोर। और इस पर अभी भी देखो नीचे से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और ऊपर तक देखो अभी भी इसमें कितनी सारी बड्स बनी है और ऊपर भी छोटी छोटी बड्स आ रही हैं। और ये अभी बनती रहेंगी और ये भी फ्लावर जो है देता रहेगा। ये प्लांट भी बहुत अच्छा होता है, फ्यूशिया प्लांट। और मेरे जो अफ्रीकन डेजी है वो भी देखो कितना, ये वाइट कलर का कितनी अच्छी ब्लूमिंग पे है, ये भी काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है और काफ़ी सारे फूल दिए इसने भी, और अभी भी है और अभी भी ये फैल रहा है, काफ़ी ब्रांचेज दे रहा है, तो इसमें अभी भी फूल बने रहेंगे। और एक ये वाला है मेरा, ये थोड़ा सा पर्पल है, अनियन कलर है, ये भी बहुत सुंदर फूल है इसका भी। और इस पर भी बहुत सारे अभी पीछे आए थे। और एक मेरे पास ये वाला कलर है, इस पर भी बहुत बड़े बड़े थे, अब हालांकि अब अभी छोटा है, अभी ये बढ़ जाएगा, जैसे अभी तो निकला है ये, खिला है, तो अभी ये बहुत बड़ा हो जाता है। ये फूल बहुत सुंदर लगता है मुझे, ये कलर बहुत सुंदर लगता है। तो ये वाले जो अफ्रीकन डेजी होते हैं ये भी बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं। और ये मेरे सारे समर प्लांट है, देखो इस पर समर पर जो फ्लावरिंग होगी ये सारे वो प्लांट है सारे, देखो ये। और ये लाल सा का है, और ये हरशिंगार है, और ये कनेर का है, बहुत सुंदर फूल आता है इस पर। और ये ब्लीडिंग हार्ट का है, और ये सब अलग अलग है मेरे पास। और ये देखो मैं अपनी गुलाब दिखाती हूँ आपको, ये देखो गुलाब भी कितने सुंदर सुंदर आ रहे हैं इस समय। और गुच्छों में देखो
कई सारे हैं, एक उस पे बंच पे कई सारे हैं। ये जितने भी अच्छी क्वालिटी के होंगे, जितने भी अच्छी वैरायटी के होंगे फ्लावर, उतने ही वो ज़्यादा फूल होंगे और उतना ही हेल्दी प्लांट मिलेगा हमें। ये देखो कितना खूबसूरत है, ये भी मुझे 200 रुपये का मिला था और एक मुझे 200 रुपये का ये मिला था। देखो कितना सुंदर फ्लावर है इस पर, और ये बड भी कितनी बड़ी आती है इस पर। और ये देखो ये कई सारे हैं मेरे पास, ये तो थोड़ा हल्का है, बारिश से थोड़ा अजीब सी हो गई इसकी। एक ये प्लांट है स्टॉक प्लांट, और ये तो मुझे इतना खुश कर दिया इन्होंने तो मुझे, कि ये अभी भी बने हुए हैं मेरे गार्डन में देखो। और कितना फ्लावर, इन पे कभी फ्लावर हटता ही नहीं है। अगर आप अगले सीजन में विंटर में पहले ले लोगे तो ये सारे जाड़ो विंटर समर बना रहेगा, और बहुत ही सुंदर देखो अभी भी कितनी अच्छी इन पे ब्लूमिंग है। और ये देखो 4-5 लिए थे मैंने, और ये अभी भी मेरे गार्डन में बने हुए हैं। ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, और ये वरुण हेल्स है, और ये बारिश से इतना फूल था इस पे, बारिश से सारा फूल इसका जो है ख़राब हो गया है। बहुत सुंदर पर्पल कलर का निकलता है और वाइट का कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ही सुंदर फ्लावर देता है। ये 12 महीने का होता है, रेड कलर का एग्लोनीमा का प्लांट रखा हुआ है। और ये भी देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, इसमें देखो ये फ्लावर की बड बनी हुई है, अभी पूरा खिल नहीं पाया है, तो ये भी बहुत सुंदर लगता है। और इसके मैंने चारों तरफ से ये देखो बिनका के रखे हुए हैं, ये तो शायद देसी है, और इसकी कटिंग लगाई थी मैंने, और ये हाइब्रिड है, इनकी पूरी सबकी मैंने इनकी प्रूमिंग कर दी है, तो ये कटिंग लगा दी है मैंने, कटिंग कर दी और फिर इनको लगा दिया है ताकि नई नई ब्रांचेस इसमें निकले। ये मेरा ये पिंक कलर का है, बहुत ही सुंदर प्यारा सा है, और ये मेरा ऑरेंज कलर का है, इस पर भी फ्लावर आ रहे हैं, सभी की मैंने कटिंग कर दी है। ये देखो ये इस कलर का है, और ये मेरा मजेंटा कलर है, इस पर भी काफ़ी अच्छे से फूल आ रहे हैं, और अब इस पर गर्मियों भर फूल आएंगे देखो। और ये मेरा रेड कलर का है, तो ये मेरे पास लगभग वाइट भी है, दूसरी जगह रखा है, मेरे सारे कलर है मेरे पास हाइब्रिड में, और देसी भी मेरे पास दोनों वैरायटी है, वाइट भी और ये पर्पल भी। कार्नेशन है, ये कार्नेशन मेरे धूप से थोड़ा सा धूप में रह गए थे, तो ये देखो ऐसे सूखने लग जाते हैं, ज़्यादा तेज धूप में भी इन्हें नहीं रखना है, और ज़्यादा अगर पानी भी हम इन पर डालते हैं तो ये पानी से भी सूखने लग जाते हैं इनकी पत्तियाँ। हालांकि अब तो ये थोड़ा थोड़ा ग्रीन होने लगी हैं, और ये वाइट है, ये पिंक और मेहरूम का है, बहुत सुंदर कलर है, लेकिन अब इस पर थोड़ा थोड़ा ग्रीन नई नई जो है ब्रांच निकलनी शुरू हो गई है। इसको मैं कटिंग से लगा ली हूँ तो उससे कटिंग मेरी रह जाएगी, बाई चांस ये भी चले जाते हैं तो मेरी कटिंग भी तैयार हो जाएगी। ये 12 महीने का प्लांट, और ये देखिए ये जेरेनियम है, ये भी 12 महीने का प्लांट होता है। इसको चाहे आप बिल्कुल छायादार जगह में भी रख दो गर्मियों में, तो ये फूल देता रहेगा, और ज़्यादा इसे धूप की भी ज़रूरत नहीं है और ना इसे ज़्यादा पानी की है। वैसे अब तो गर्मी है, अगर आपने छाए में रखा है तब तो इसे कम पानी लगेगा, अगर आपने थोड़ा सा धूप दी है सुबह की तब तो इसको थोड़ा रोज़ पानी देना पड़ेगा। तो ये देखो इसमें भी मेरे पास कई सारे कलर हैं, ये पिंक कलर है, इसमें काफ़ी सारे बड़े बड़े बंच आए हुए थे, अब इसके मैंने फूल सूख गए थे तो सब निकाल दिए, अभी छोटी छोटी बंच ऐसे बन रही है फूलों की, तो वो भी खिल के आएंगी अभी। और ये देखो ये रेड है ऑरेंज, और ये मेरा मजेंटा कलर है, इतना प्यारा है, ये भी बड़े बड़े गुच्छे आते हैं इसमें, और हेल्दी प्लांट है मेरे पास, तो ये भी बहुत अच्छे हैं। देखो एक ये है, और ये रखा है एक ये भी है, ये कई सारे हैं मेरे पास, ज़्यादातर लगभग सभी कलर हो गए हैं मेरे पास क्योंकि मैंने कटिंग से तैयार किया। और एक ये जो हम विद्या का प्लांट बोलते हैं, ये देखो एक मैंने ये थूजा प्लांट लिया है, तो ये भी बड़ा खूबसूरत है, गर्मियों में काफ़ी ग्रीन रहता है। ये मेरे देखो गजानिया के हैं, ये अभी फूल खिल के आ रहे हैं, बहुत सुंदर कलर है ये भी, और एक ये है, और ये है, और ये है, ये है, काफ़ी सारे कलर रंगों में आते हैं ये भी। ये भी परमानेंट प्लांट होता है और आप ले सकते हैं। ये देखो कितने सारे कलर खरीदे हुए हैं मैंने, और अभी कुछ पे तो आ भी नहीं रहे हैं, ये देखो इस पर पड़ बनी हुई है, और जब एक साथ सब पे आते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं। ये देखो अब सारे समर जो है इनकी बाहर चलेगी, ये देखो ये मौसर हो जाए, अब ये कितने बड़े बड़े ये ग्रांड में आ गए हैं, ये देखो ये ग्रांड वैरायटी है, और इसमें बहुत बड़े बड़े फूल हैं मेरे पास, कई सारे कलर रंग में है, वाइट है, पिंक है, इसमें कई सारे हैं मेरे पास, तो ये देखो ये खिल के आ गए हैं, कितने बड़े बड़े लीव्स हैं इसमें, कितने बड़े बड़े फ्लावर हैं इसमें, और बहुत सारे हैं मेरे पास अलग अलग। ये मेरे सारे डेंथस के कलर हैं ये वाले सारे, और किसी पे आ रहे हैं किसी की इनकी, मैंने ये काफ़ी बड़े बड़े थे, काफ़ी फूल दिए इन्होंने, और मैंने काफ़ी इनको इनकी कटिंग कर दी सबकी, तो ये फिर बन के आएंगे। ये देखो ये मेरे सारे हैं,
कलर हैं इन पे, सारे कलर हैं मेरे पास इसके भी। ये देखो धूप आ रही है तो इसलिए मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा कैमरे में। ये देखो कितने सुंदर सुंदर कलर है, ये बहुत सुंदर कलर लगता है इसका, और ये रेड कलर का है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये मेरे प्राइम रोज, देखो ये वाले जो स्टॉक वाले थे, ये दो मैं लाई थी, ये वाले ये अभी भी चल रहे हैं मेरे गार्डन में। ये देखो कितने अच्छे चल रहे हैं ये। और जो मैं दूसरे लाई थी, जो छोटे छोटे फूल नीचे नीचे आ रहे थे चारों तरफ से लीव्स थी उसके, ये वाले ये थोड़े अब जा रहे हैं जैसे देखो, और फूल तो छोटे छोटे आ रहे हैं देखो, जैसे इस पर भी आ रहे हैं। मैंने सारे पत्ते निकाल दिए क्योंकि कुछ ऐसा इन पे इस तरह के जो ये इस तरह की लिप्स हो गई थी इनकी इस तरह की, तो मैंने सबकी निकाल दी इनकी। तो फ्लावर तो आ रहा है देखो, इसकी भी मैं निकाल दूँगी। अब वैसे ये प्राइम रोज तो अब ये चले ही जाएंगे। अगर आपको लग रहा है मैं खूबसूरत प्लांट दिखा रही हूँ, ये आपको मेरे प्लांट अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक दे और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और ये देखो ये एग्जोरो का है, ये भी कितना सुंदर इस पर ब्लूमिंग है। ये देखो ये हाइब्रिड में है, ये भी ले सकते हैं 12 महीने का। और मेरे एक बिगोनिया के, ये देखो ये भी 12 महीने का ही प्लांट होता है, और फूल देखो इस पर दिवाली से लेके अभी तक ये बने हुए हैं, अभी भी कितने सुंदर फूल आ रहे हैं। इनकी पत्तियाँ भी बहुत सुंदर लगती हैं। ये देखिए ये भी मेरे पास सारे कलर रंगों में है, और मैंने कई सारी इसकी कटिंग भी लगाई हुई है। और कितनों के तो मैं नाम भी नहीं बता रही क्योंकि टाइम बहुत लगता है। और ये देखो ये सारे मेरे कितने खूबसूरत हैं, ये रियो प्लांट है, और ये एग्लोनिमा का है, ये अलग अलग है। ये देखो ये लिप्स वाले इंडोर प्लांट हैं। और एक ये मैंने बुद्धा जी में जो पोइनसेटिया का लगाया था, ये देखो ये अभी भी एक दो पत्तियां हैं रेड, मगर अब इसकी ये सब चली जाएंगी। और ये छोटी छोटी ग्रीन ग्रीन पत्तियाँ सब निकल रही हैं, पुरानी इनकी झड़ने लग गई, और पुरानी जितनी भी ज़्यादातर लिप्स हैं प्लांट है वो सब निकाल ही देते हैं, तो पीले पड़ के वो निकल ही जाती है। तो जब वो पीले पड़ने लगे उनको पहले ही निकाल दो, ताकि वो नहीं तो उनमें क्या होता है, ये आजकल लोड़ने वाले छोटे छोटे काले सफ़ेद ये छोटे छोटे इंसेक्ट बन रहे हैं, तो उन्हें अगर हम पहले ही निकाल देते हैं तो अच्छा रहता है। और ये देखो ये कितना अच्छा है प्लांट है मेरा, होया प्लांट है, कितना खूबसूरत लगता है, ये भी मुझे बहुत पसंद है। और ये बाकी मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ये देखो ये आपको, और ये, और ये, ये देखो सारे अच्छे चल रहे हैं मेरे। ये कैलेथिया, ये पिंक कलर का और ग्रीन का जो बैकबोन का होता है, बैकबोन के बहुत सारी वैरायटी है मेरे पास। ये रियो होता है, रियो में भी कई सारी वैरायटी है मेरे पास। ये अजवैन का है, ये स्पाइडर है, ये सिल्वर का है, और ये देखो डेफिनबेकिया, और ये स्नैप, और ये हवोर्तिया, ये बहुत सारे प्लांट है मेरे पास इंडोर प्लांट। और ये देखो मैं जल्दी जल्दी दिखाती जा रही हूँ, ये है, और ये सलाद पत्ता, और ये भी स्नैक दूसरा वाला है ये, और ये बैकबोन एलाइशम, ये वाइट वाला मेरा अभी भी खिल रहा है। और बाकी दो तीन और थे तो सूख गए क्योंकि उनका सीजन भी चला गया इनका, लेकिन अभी भी इस पर ये बने हुए हैं। और ये देखो ये कितने प्यारे कलर लगते हैं इसके। तो एक रियो प्लांट ये है मेरे गार्डन में, और एक ये ड्रेशिना का है, ड्रेशिना के भी मेरे पास 7-8 वैरायटी हैं। ये गोडिशिया प्लांट है, ये देखो ये बारिश में छूट गए थे कल मेरे से, तो इनकी क्या हालत होगी ये देखो, नहीं तो बहुत खूबसूरत फूल लग रहा था ये। ये 3-4 कलर के हैं मेरे पास, ये कई कलर रंगों में आते हैं, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है ये भी। फोलोक्स में ये बने हुए हैं मेरे, ये भी 2-3 कलर के हैं मेरे पास, कुछ सीढ़ियों में रखे हैं, और एक मैंने यहाँ रखा, ये भी मेरे गार्डन में अभी बने हुए हैं। और ये कोलियस के भी कई सारे कलर कॉम्बिनेशन में आते हैं, मेरे पास भी कई सारे हैं। और इन पे देखो इनके भी आजकल गर्मी में तो इन पर देखो कितना सुंदर कलर आता है इन पर। और ये देखो ये भी हल्का सा धूप दो इसको, पूरी तो धूप देनी नहीं है क्योंकि अब गर्म हो जाएगी। ये भी देखो कितने सुंदर सुंदर कलर है, ये भी बहुत प्यारे प्यारे हैं, काफ़ी सारे हैं मेरे पास ये, और अलग अलग रखे हैं गार्डन में मेरे कई जगह। और मैं आपको इधर सीढ़ियों का थोड़ा सा व्यू एक साथ ऐसे दिखा देती हूँ, मुझे तो धूप में दिखाई भी नहीं दे रहा। ये देखो कुछ इधर रखे हैं छोटे छोटे, और ये बेबी सनरोज है, इसकी मैंने बहुत सारी कटिंग लगाई है, और कटिंग लगाना इसका बहुत ईजी है। अगर आपको एक छोटी सी भी इतनी सी भी कटिंग मिल जाएगी ना, छोटी सी इतनी सी भी, तो इसके लिए बहुत है।
और ये मेरी इतनी सी कटिंग लाई थी मैंने, और इसके देखो कितने सारे प्लांट बना दिए, और आजकल फूल भी आ रहे हैं। पहली वीडियो में मैंने जो दी थी पहली वीडियो, तो उसमें फूल थे इस पर, और अब काफ़ी फूल खिलेंगे इस पर भी। और एक ये लिलीज है मेरे पास, ये अमेरिलिस लिलीज जो होती है, और इस पर देखो ये फूल की बड्स आ गई है, इस पर स्टोक आ गए हैं। ये दो तीन कलर की है मेरे पास, और इस पर भी आ गई है देखो, ये दोनों पे है, ये तीन कलर की है मेरे पास। और अभी मैं और एक ये प्लांट दिखाती हूँ, ये सीप मंकी के तीन प्लांट है मेरे पास ये, तो इस पर मैंने हालांकि ये अभी नहीं निकाले, ये कितने सारे इस पर हो गए हैं, तीन दिन से नहीं निकाले, तो देखो कितने सारे ये फूलों की ये जो है ये सीड्स तैयार हो गए हैं। और मैं तो सोच रही थी शायद अब फूल कम आएंगे, क्योंकि इनकी लिप्स ना ये ऐसी अजीब सी हो गई थी, ये कुछ बैक्टीरिया लग गया था, तो ये मैंने इसको फिर जो है इंसेक्ट का जो नीम ऑयल आता वो दिया इसको, इस पर छिड़काव किया, स्प्रे किया, तो ये अब फिर दोबारा से इस पर, और ये छोटी छोटी ये ग्रीन ग्रीन बंच इस पर अब तैयार होने लगी, तो काफ़ी सारे। अब मैं इसको सबको ये कलेक्ट कर लूँगी, ये इसके बीज। और ये देखिए इधर ये स्टॉक प्लांट भी रखा है, ये सिनेरिया का भी रखा है, ये जगह जगह बहुत सारे प्लांट रखे हैं। ये देखो कार्नेशन का रखा है, और ये करी पत्ता रखा है, ये भी सब अच्छा सा चल रहा है। और सारी मेरे गार्डन, और इधर ऊपर की सीढ़ी का दिखाती हूँ मैं, और एक ये मेरा ये मैक्सिकम पिटोनिया, ये मेरे तीन कलर हैं मेरे पास हाइब्रिड में, सारी कलर हैं लगभग मेरे पास। और ये देखो सीढ़ी का, ये सारे गुलाब रखे हैं मेरे यहाँ, कई सारे गुलाब हैं मेरे पास, कम से कम 15 से कम नहीं है, ज़्यादा ही हो। और ये देखो एक हिबिस्कस का मेरे यहाँ रखा है, ये डबल पेटल का है, रेड कलर का, बहुत खूबसूरत फ्लावर है भी। और ये मेरे जितने मॉस रोज हैं, ये सभी तरह के ये सभी रखे हैं यहाँ पे मैंने। और बिगोनिया और कलंच हो तो मैं अपने गार्डन की शान बोलूँगी। और इन ये तो अभी भी मेरे देखो गार्डन में बने हुए और परमानेंट प्लांट होते हैं, और शुरू में विंटर में लो, और ये समर तक तो फूल देते ही रहेंगे।